वेलकम टू द पाकिस्तानी प्रोज रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है, बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो टॉप 5 अपकमिंग मेगा टेंपल्स इन इंडिया। मतलब इसमें बताए गए हैं इंडिया के टॉप 5 बड़े जो मेगा टेंपल्स बनने लगे हैं वो बताए गए हैं। तो स्मार्ट सिटी गाइड का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो इनका चैनल लॉन्च में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो काउंट डाउन स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। जय श्री राम। अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस को देखा है, जिसमें मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन और अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्ड में जानकारी शेयर की है, जो हमारे देश के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के टॉप 5 अंडर कंस्ट्रक्शन एंड प्रपोज्ड टेम्पल्स के बारे में। और किसी भी शहर में विशालकाय भव्य मंदिर का निर्माण किया जाता है तो उससे केवल धार्मिक लाभ ही नहीं होता है, बल्कि इसके कारण उस शहर को आर्थिक लाभ भी मिलता है और वह शहर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर सामने आता है और बहुत प्रकार के रोजगार भी उत्पन्न होते हैं, जिससे वहां रहने वाले आम नागरिकों को भी फायदा होता है। अगर हम इसको आर्थिक दृष्टिकोण और रोजगार के दृष्टि से भी देखेंगे तो होटल सेक्टर, रेस्टोरेंट सेक्टर, कमर्शियल व्हीकल सर्विसेज, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, टूरिस्ट गाइड, ट्रांसलेटर इत्यादि बहुत प्रकार के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि हमारे देश में कौन से 5 भव्य विशालकाय मंदिर है जिनका निर्माण होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन से प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं कृष्ण लीला थीम पार्क के बारे में, जिसका निर्माण बेंगलुरु कर्नाटक स्टेट में किया जा रहा है। यह विशालकाय भव्य मंदिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन टेम्पल है, जिसका निर्माण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन द्वारा किया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण बेंगलुरु के वैकुंठ हेतकरपुरा रोड में किया जा रहा है। यह मंदिर एक हाईटेक अम्यूजमेंट पार्क होगा, जिसका परिसर 28 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। इस मंदिर परिसर में राजा गोकुराम, श्री श्री सुदर्शन नरसिम्हा टेम्पल, श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री वेंकटेश्वर मंदिर स्काई टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है। और इस मंदिर के सबसे ऊंचे टावर की ऊंचाई 450 फीट होगी। इस प्रकार यह इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल हो जाएगा और सदर्न इंडिया का सबसे टॉलेस्ट टेम्पल होगा। इस कृष्ण लीला पार्क के परिसर में मंदिर के अलावा कार पार्किंग, फूड प्लाजा, वाटर फाउंटेन, वृंदावन पार्क, 4D सिम्युलेशन एक्सपीरियंस सेंटर, व्यूइंग गैलरी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एक्सपो इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा। यह मंदिर एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। इसके निर्माण में कुल 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 2022 तक बनकर तैयार होगा। और आप सभी को एक बात स्पष्ट कर दे कि इन सभी मंदिर निर्माण में होने वाले खर्चे को पूरी तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वहन नहीं करती है, बल्कि इनके निर्माण कार्य पे होने वाले खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा डोनेशन और आम नागरिक के दिए हुए चंदे द्वारा कलेक्ट किया जाता है और थोड़ा सरकारें भी मदद करती है जहां आवश्यक हो। नंबर 4 पे बात करते हैं उमिया माता टेम्पल के बारे में, जिसका निर्माण अहमदाबाद गुजरात में किया जा रहा है। उमिया माता टेम्पल का निर्माण अहमदाबाद के जासपुर में किया जा रहा है और इस मंदिर का परिसर लगभग 40 एकड़ यानी कि लगभग 100 बीघा लैंड एरिया में फैला होगा। और इस मंदिर का निर्माण विश्व उमिया फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस मंदिर के सबसे ऊंचे बिल्डिंग की हाइट 431 फीट होगी, जिसमें 52 फीट की ऊंचाई पर उमिया माता विराजमान होंगी। इस मंदिर का डिजाइन इंडियन और जर्मन आर्किटेक्ट द्वारा किया गया है। इस मंदिर में टोटल 3 व्यूइंग गैलरीज होगा, पहला 82 मीटर पर, दूसरा 90 मीटर पर और तीसरा 110 मीटर हाइट पे होगा। इसके साथ ही इस मंदिर परिसर में कार पार्किंग, फूड प्लाजा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ट्री म्यूजियम बनेगा, जिनमें लुप्त होने वाले 3000 वृक्षों का रोपण किया जाएगा एवं यह मंदिर बेसिक एमिनिटीज और फैसिलिटीज से लैस रहेगी। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 800 करोड़ से 1000 करोड़ तक का राशि खर्च होगा और इसका फर्स्ट फेज 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं वृंदावन चंद्रोदय टेम्पल के बारे में, जिसका निर्माण वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन टेम्पल है, जिसको की इस्कॉन बेंगलोर द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर का परिसर 62 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा, जिसमें 12 एकड़ का लैंड कार पार्किंग और एक हेलीपैड के लिए होगा। इस मंदिर के सबसे ऊंचे टावर की ऊंचाई लगभग 700 फीट होगी, जिसमें 70 फ्लोर्स होंगे, अतः यह कुतुब मीनार से भी लगभग 3 गुना ऊंचा होगा। इस प्रकार यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर हो जाएगा। इस मंदिर परिसर में श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, बलराम, चैतन्य महाप्रभु और स्वामी प्रभु पाद के मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस मंदिर परिसर में टोटल 12 फॉरेस्ट का निर्माण किया जाएगा, जो कि ब्रज के 12 जंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस मंदिर का फाउंडेशन बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन से 5 मीटर डीपर होगा। बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन 50 मीटर है और इस टेम्पल का फाउंडेशन 55 मीटर गहरा होगा। इस मंदिर परिसर में पार्किंग, हेलीपैड,
कैंटीन एंड फूड प्लाजा, राधा कृष्ण रिक्रिएशनल पार्क, कृष्ण हेरिटेज म्यूजियम, एस्केलेटर्स, थीम पार्क एवं टॉप फ्लोर पे व्यूइंग गैलरी भी होगी, जहां से टेलीस्कोप द्वारा पूरे वृंदावन को देखा जा सकेगा। इस मंदिर के निर्माण के बाद वृंदावन और मथुरा में टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं विराट रामायण मंदिर के बारे में, जिसका निर्माण बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। यह एक प्रपोज्ड टेम्पल है जिसका निर्माण बिहार के ईस्ट चंपारण के केसरिया में किया जाएगा। इस मंदिर का 165 एकर्स के लैंड एरिया में फैला होगा। इस प्रकार यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल में से एक होगा और भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर होगा। इस मंदिर का निर्माण कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के प्रांगण पर किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है, जो 400 एकर्स के लैंड एरिया में फैला है और इसका निर्माण खमेर एम्पायर द्वारा एज अ हिंदू टेम्पल किया गया था और इसमें भगवान श्री विष्णु की पूजा होती थी, लेकिन बाद में इसे बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल कहा जाने लगा। अच्छा, तो इस प्रकार विराट रामायण मंदिर बन जाने के बाद पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल होगा। लेकिन कंबोडिया की सरकार इस विराट रामायण मंदिर के निर्माण के विरोध में है और इस मंदिर के निर्माण के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर चुकी है। विराट रामायण मंदिर के सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर की ऊंचाई 405 फीट है। इस प्रकार यह कंबोडिया के अंकोर वाट टेम्पल से भी लगभग 2 गुना ऊंचा होगा। अंकोर वाट टेम्पल की कुल ऊंचाई 215 फीट है। विराट रामायण मंदिर परिसर में कुल 18 मंदिर होंगे और एक शिवलिंग भी होगा जिसकी ऊंचाई 44 फीट और परिधि यानी कि सरकमफेरेंस 33 फीट होगी और प्रमुख मंदिर के बिल्डिंग में भगवान श्री राम, माता सीता, लव और कुश की प्रतिमाएं भी होंगी। एवं इस मंदिर के परिसर में कार पार्किंग, फूड प्लाजा, रिक्रिएशनल पार्क्स एवं बेसिक एमिनिटीज और फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहेगी। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 2025 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 1 पे बात करते हैं राम जन्मभूमि टेम्पल, जिसका निर्माण अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर के 2.77 एकड़ लैंड के विवाद में 9 नवंबर 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि सभी सबूतों और प्रमाणों के आधार पर यह 2.77 एकड़ का विवादित जमीन राम जन्मभूमि मंदिर को जाएगा और मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या के धानीपुर में 5 एकड़ का जमीन भी दिया जाएगा। राम जन्मभूमि टेम्पल एक अंडर कंस्ट्रक्शन टेम्पल है जिसका निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है एवं इसका डिजाइन गुजरात के सोमपुरा फैमिली द्वारा तैयार किया गया है। इस मंदिर का परिसर 100 से 120 एकड़ तक फैला होगा एवं इस परिसर में बनने वाला प्रमुख मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। इस प्रकार यह विश्व के बड़े मंदिरों में से एक होगा। 5 अगस्त 2020 को इस मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जा चुका है और यह मंदिर राम लल्ला को समर्पित होगा। इस मंदिर में टोटल 366 पिलर्स होंगे, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे 160 पिलर्स, सेकंड फ्लोर पे 132 पिलर और थर्ड फ्लोर पे 74 पिलर का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार यह मंदिर 3 मंजिला होगा। पहले इसको 2 मंजिला बनना था, लेकिन अच्छा। इसके डिजाइन में चेंज किया गया और इसकी ऊंचाई 33 फीट और बढ़ाई गई। इसके साथ ही इस मंदिर के छत पे टोटल 5 गुंबद होंगे। इस मंदिर के परिसर में फूड प्लाजा, कार पार्किंग, रिक्रिएशनल पार्क एवं सभी प्रकार की बेसिक एमिनिटीज और फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। इस मंदिर के स्ट्रक्चर के निर्माण में टोटल 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे एवं मंदिर के परिसर को डेवलप करने और सारी फैसिलिटीज और एमिनिटीज को डेवलप करने में लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह मंदिर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तो था हमारे देश के 5 अपकमिंग मेगा टेम्पल्स के बारे में जानकारी। इन सभी मंदिरों से तो ये वीडियो खत्म। तो यार इतने बड़े बड़े टेम्पल इंडिया में बन रहे हैं, मतलब 1000 करोड़ से कोई काम था ही नहीं। 1500 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, मतलब 500 का कोई नहीं था, 700 से ऊपर ही थे एक था। हाँ, आई थिंक नहीं होगा 500-700। यार मुबशरे, मतलब वो क्या रहा है, इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे टेम्पल, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं कि मतलब बंदा सोच के हैरान। बंदे को गाड़ी भी घूमना पड़ेगा यहाँ पे, वो जो इधर छोटी छोटी जो वहाँ पे चलती हैं वो कार। और यार मतलब यार काफी डिजाइन वाइज भी इतने प्यारे और इतने मजे के बने हुए थे कि मैं कहता हूँ कि जिस सिटी में ये बनेंगे ना, उस सिटी को ये 4 चांद लगा देंगे। हाइट में भी इतने बड़े, दुनिया से लोग इधर आएंगे। जाहिर बात है इंडिया के मंदिर है और इंडिया मतलब गढ़ है हिंदुइज्म का, बिल्कुल इंडिया में ही लोग आते हैं पूरी दुनिया से हिंदू। तो देख उससे मतलब हो सकता है टूरिज्म में भी इजाफा होगा, काफी बड़ा बूस्ट होगा। एग्जैक्ट, नौकरी भी जनरेट काफी होंगी क्योंकि अंदर वो काम करने वाले जो। और यार मतलब काफी कमाल के थे, एक बैंगलोर में था, एक बिहार में था, एक
यूपी में था, यूपी में एक मेरे ख्याल में गुजरात आई थी, हाँ गुजरात में था। और मुबशर इनकी हाइटें इतनी बड़ी बड़ी और फाउंडेशन खलीफा से भी नीचे इनकी वो मतलब जो स्टाइल है वो काफी बेहतर, बहुत मजे के और बुर्ज खलीफा थीम पार्क जो था यूं था ना काफी यार, मतलब काफी प्यारा था यार, मतलब कमाल के टेम्पल्स हैं। तो काफी मतलब जानकारी वाली वीडियो थी। और आप बताएं आप इनमें से कौन से एरिया में रहते हैं जहाँ से आपको ये मंदिर करीब पड़ेंगे। बिल्कुल, तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, तो बाय।